हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हमारा मॉड्यूल 4 M4R5 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस है, और उसमें हमारा चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है, यानी चैप्टर 5 का पार्ट 3 आज हम हमारी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नेम, जैसा कि आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स ऑफ IoT ecosystem, यानी सिक्योरिटीज एंड इसका फ्यूचर क्या है IoT ecosystem का, उस पर हमने डिस्कस हमारे इस चैप्टर में करी है। आज हमारा IoT मॉड्यूल्स का जो पार्ट है वो 30th नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, चैप्टर 5, जिसमें कि आज हमारा पार्ट 3 है। और चैप्टर 5 का नेम आप जानते ही हैं, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT ecosystem। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारी वीडियो में, उसमें हमारा फर्स्ट है फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, एंड द सेकंड वन इज एग्जांपल्स फॉर न्यू ट्रेंड्स AI ML पेनिट्रेशन टू IoT। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे कि IoT का फ्यूचर क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एट प्रेजेंट काफ़ी पर्सन्स ऐसे हैं जो कि IoT डिवाइसेस का वाइडली यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रीवियस के ईयर से हमारे आज की ईयर की तुलना करके देखें, इनमें हम तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि प्रीवियस में IoT की इतनी डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया जाता था जितना एट प्रेजेंट IoT की डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है। अगर हम देखें तो लगभग 2016 में भी 16 मिलियन कनेक्शन थे, जो कि अब एट प्रेजेंट में हमारे 1900 मिलियंस क्या हो गए हैं IoT की डिवाइसेस हमें अवेलेबल मिल जाती है, यानी लगभग इतनी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं और इतने यूज़र्स IoT डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। यानी IoT का अगर हम हमारी नॉलेज इंप्रूव करते हैं IoT बेस पे, तो हम पाएंगे कुछ आगे आने वाले सालों में कि हर एक डिवाइसेस हमारी किस पर बेस्ड है, IoT बेस्ड है, और हर एक पर्सन IoT डिवाइसेस के थ्रू क्या कर रहा है, अपना एक फ्यूचर सेट कर रहा है, और IoT में हमारे देश का और हमारा खुद का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो IoT का फ्यूचर काफ़ी ही ज़्यादा वाइड है और काफ़ी अच्छा होने वाला है, और सभी ह्यूमंस की डिपेंडेंसी यानी वर्क करने की कम होके सभी की डिपेंडेंसी किस पर होने वाली है, IoT की, अगर देखी जाए तो आगे के ईयर्स में। जहाँ ह्यूमंस किसी वर्क को करते थे, वहाँ आज आने वाले समय में IoT की डिवाइसेस वो सारा वर्क कर रही है। देखा जाए तो अभी भी काफ़ी ऐसे डिवाइसेस हैं, काफ़ी ऐसे इन्वायरमेंट हैं जहाँ पर ह्यूमंस का वर्क कम हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि एक फील्ड में बेरोजगारी बढ़ी है अगर हम डिवाइसेस का यूज़ देते हैं हमारे किसी भी फील्ड में, बट अगर देखा जाए, अगर आपने अपनी टेक्निकल नॉलेज इम्प्रूव करी होगी, तो आपको IoT फील्ड में एक IoT डिवाइस बनाने में काफ़ी ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जब आगे इसी तरह से हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, इसी तरह से चेंजेस होते जाएंगे, तो उन डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहेगी, जो किसको बनाने के लिए एक्सपर्ट होंगे, IoT डिवाइसेस को बनाने में एक्सपर्ट होंगे। यानी अगर कोई अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा सेट करना चाहता है, तो उसे IoT डिवाइसेस पर प्रोग्रामर बनना होगा, डेवलपर बनना होगा, और उन पर वर्क करना, उन्हें पूरी प्रोग्रामिंग के थ्रू रन करना अच्छे से आना चाहिए। तो जो फ्यूचर है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमारे माइंड को सेट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आ रहा है फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, यानी IoT इकोसिस्टम का फ्यूचर क्या है। ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय NASSCOM, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रेफर टू NASSCOM एज अ रिवॉल्यूशन बियॉन्ड इट्स अ टाइम बेस्ड रोल एज एन एसोसिएशन, स्टेट्स दैट इन द APAC एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्रंट रनर when it comes to the adoption of IoT technology। यानी एक रिपोर्ट है हमारी जो कि NASSCOM ने क्या करी है, पब्लिश करी है। NASSCOM ने पब्लिश करी है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने NASSCOM के बारे में, यानी NASSCOM की फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी ऐसी कंपनी जो कि क्या करवा रही है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है एट प्रेजेंट इंडिया में, वाइड एरिया में, है ना। तो NASSCOM की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने NASSCOM कंपनी के लिए बताया कि ये एक वैल्यू
इनोवेशन के रूप में काफी ज्यादा आगे बढ़ोतरी करने वाली है, यानी इसका बहुत अच्छा रोल आगे सामने मिलने वाला है। यानी आज जिस तरह IoT का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह IoT डिवाइसेस का यूज हो रहा है और NASSCOM के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये NASSCOM ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा IoT फील्ड में वर्क कर रही है और जो हमारे आगे का फ्यूचर होगा वो IT बेस्ड होगा, जिसमें कि इसका बेहद अच्छा बेहद ज़्यादा रोल रहेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है स्टेट्स दैट इन APAC यानी एशिया पैसिफिक जो रीजन्स हैं, जो हमारा इंडिया है उसमें इंडिया क्या होगा IoT फील्ड में, टेक्नोलॉजी IoT टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में क्या होगा, सबसे आगे खड़ा होगा सभी कंट्रीज़ की लाइन में, क्योंकि IoT का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डिवाइसेस का काफ़ी यूज़ हो रहा है और टेक्नोलॉजी इस पर वर्क करने में इंडिया के डेवलपर्स भी काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है जो कि NASSCOM के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। दी की फैक्टर्स दैट हैव बीन ड्राइविंग द अडॉप्शन ऑफ IoT इन इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी आज हम देख रहे हैं कि हर कोई IoT के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना चाहता है, यानी केवल उसी इन्वायरमेंट पर अकॉर्डिंग पे वर्क करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ की फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि इंडिया में IoT डिवाइसेस को लेना और उन पर वर्क करने के मेन रीजंस क्या हैं, क्या कारक है जिसके कारण इंडिया में भी क्या हो रहा है IoT डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आता है इनोवेशंस बीइंग डन इन प्रोडक्ट ऑफरिंग बाय दी बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स शो करवाए जा रहे हैं उनके इनोवेशंस में हमारे IoT टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स को AI बेस्ड पे अकॉर्डिंग बनाना, उनके अकॉर्डिंग रन करवाना, उनसे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना, उसके थ्रू प्रेजेंटेशन हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा करना, तो ये सब एक बिजनेस फील्ड में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑफर कराने में हमारा IoT टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर हम कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है हमारा IoT इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हेल्पफुल रह रहा है। पहले जब ह्यूमंस किसी वर्क को करते थे हैंड्स के थ्रू करते थे और थोड़ा टाइम लगता था, वहीं अब IoT डिवाइसेस के थ्रू क्या किया जा रहा है, डिवाइसेस उन काम को बहुत ही स्पीड में और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्या कर देती है, वर्क को कम्प्लीट कर देती है। तो ये रीज़न रह रहे हैं हमारे IoT टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के, हमारे अडॉप्ट करने के लिए। थर्ड आ रहा है हमारा इन्हांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर के जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको इन्हांस करने के लिए भी हमारे IoT टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही है। हमें पता चल रहा है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उस अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारा कस्टमर्स क्या हो, अच्छा हमारा हमारे कस्टमर बना रहे और उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहे, यानी हमसे जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उससे उसके एक्सपीरियंस में वृद्धि और साथ ही साथ उसका जो एक रिलायबिलिटी है उस कंपनी पर ही बने। तो इसके लिए यानी कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के इन्हांसमेंट के लिए भी हमारा IoT अडॉप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी का हर एक बिजनेस का मेन फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करें, उन्हें बुलाए। तो IoT इस फील्ड में बेहद ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। फोर आ रहा है मैच्योरिटी ऑफ द IoT सॉल्यूशन बीइंग ऑफर, यानी IoT सॉल्यूशंस की जो भी मैच्योरिटीज़ की को ऑफर करना होता है उसमें भी हमारा IoT इंफ्रास्ट्रक्चर IoT डिवाइसेस काफ़ी हेल्पफुल रह रही है। यानी डिवाइसेस क्या कर रही है, IoT डिवाइसेस ही क्या कर रही है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए वर्क कर रही हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म का वर्क कर रही हैं, तो उसमें भी हमारा IoT इंफ्रास्ट्रक्चर और IoT डिवाइसेस काफ़ी हेल्पफुल रह रही है। इंक्रीज कवरेज ऑफ नेटवर्क्स एंड इन्हांस लेवल ऑफ डेटा स्पीड, यानी नेटवर्क की जो कवरेज है हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही जो डेटा की स्पीड हमें मिलती जा रही है उनसे भी क्या कर रहे हैं हम, उनके थ्रू हम IoT डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। पहले नेटवर्क इतना स्पीडली नहीं वर्क करता था, कवरेज उसकी अच्छी नहीं थी, अब आज के ज़माने में बहुत अच्छी नेटवर्क की हमें प्रोवाइड मिल जाता है, हमें मिल जाता है और साथ ही उसमें हमारे डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो जैसे जैसे हमारे इंटरनेट के नेटवर्क्स में और इंटरनेट की दुनिया में इन्हांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे हम IoT के जो डिवाइसेज है, IoT के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अडॉप्शन में अपनी भूमिका को
अदा कर रहे हैं, यानी वहाँ जैसे जैसे हमें हमारे नेटवर्क्स की अच्छी सुविधा मिली वैसे वैसे हमने IoT डिवाइसेस को लेने में अपनी भूमिका निभाई है। यानी ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू, जिन पर बेस्ड हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में, यानी धीरे धीरे इंडिया में हमारे IoT डिवाइसेस, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर्स, IoT इन्वायरमेंट में बढ़ोतरी हो रही है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है हमारा नीड टू पावरफुल कोर फॉर बिल्डिंग सिक्योर एल्गोरिदम। यानी अगर हमें सिक्योर कोई ऐसा है कि हमें हमारे IoT की सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी रहती है अगर हम IoT डिवाइस देते हैं, तो अगर सिक्योर एल्गोरिदम्स को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी पावरफुल कोर क्या है वो हम हमारे इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें IoT में सिक्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं IoT डिवाइसेस का सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इसमें डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर इसको सिक्योर नहीं किया जाता तो डेटा के हैकर्स के थ्रू अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे पावरफुल टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे एक्शंस की रिप्लाई ज़रूरत रहती है जो कि हमें हमारे IoT डिवाइसेस को क्या करती हैं, अटैकर से सिक्योर करवाती है। हमारी डिवाइसेस को अटैकर से बचाने के लिए हमें क्या रहती है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी डिवाइसेस की, कि हम जो डिवाइस बना रहे हैं उनका मिसयूज़ ना हो, अटैकर्स उन पर अटैक ना कर सके और ना ही उनके डेटा से कोई छेड़छाड़ कर सके। तो उसके लिए हमें क्या रहती है, पावरफुल एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि हमारी जो डिवाइस है उसको अटैक होने से उसे बचाया जा सके। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। IoT सिक्योरिटी has become a concern for organization, as without strong security architecture, massive amount of data flowing and stored across the network is exposed to vulnerabilities in the infrastructures that can be exploited by hackers. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IoT के जो हमें कह रहे हैं हमारे IoT डिवाइसेस की सिक्योरिटी की, उस आर्किटेक्चर को हमें सिक्योर करने की बहुत ज़रूरी तो हो रही है, केवल हमें ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उन्होंने अपने यहाँ IoT डिवाइसेस का डेवलपमेंट करा है तो वहाँ पे इसकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रह रही है, कैसा भी आर्किटेक्चर हो। क्योंकि बहुत सा अमाउंट क्या किया जाता है IoT डिवाइसेस पर फ्लो किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो वो किस पर रहता है, पूरे नेटवर्क पर क्या किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। तो उस नेटवर्क पे क्या चांसेस रहते हैं हैकर्स के थ्रू अटैक करने के, उनमें किसी तरह के चेंजेस करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जो IoT की एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, बहुत ही सिक्योर वे में बनाना होता है। दस मैकेनिज्म और मेथड्स फॉर अ सिक्योर कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स और सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी शेयर किया जा रहा है, उसको हमें लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफी मेथड के थ्रू और सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स के थ्रू ही क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। और जो हमारा डिवाइस है उनमें इस तरीके की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए कि थर्ड पर्सन हमारी डिवाइस तक एक्सेस ना कर सके, उसके डेटा तक पहुंच ना सके। क्योंकि हमारा डेटा हमारे IoT डिवाइस और सर्वर के बीच में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, शेयर किया जाता है। अगर हमारे कहीं भी एल्गोरिदम्स या किसी भी टेक्निक में कोई कमी रहती है, किसी मेथड में कोई कमी रहती है, तो थर्ड पर्सन के थ्रू हैक किया जा सकता है। तो हमें उनसे बचाने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप के हमारे एल्गोरिदम्स डिजाइन करने चाहिए, किसके लिए, हमारे IoT डिवाइस के लिए। कंटिन्यू करते हैं हम। द की मेजर्स दैट कैन इंश्योर सिक्योरिटी अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर, यानी आपके जो बुनियादी ढांचे, एक तरह से जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकने के लिए, करने के लिए आप कुछ मेथड्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अब मिल जाएंगे। यानी आपके जो भी IoT डिवाइस है, अगर आप उसे सिक्योर करना चाहते हैं तो इनमें से किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इन मेथड्स के यूज़ के साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप अपनी IoT डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि लोगों का विश्वास आपकी IoT डिवाइसेस पर बना रहे। तो देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा गया है, ऑथेंटिकेशंस ऑफ ऑल दी एंटिटीज़।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हर एक डिवाइसेस, हर एक एंटिटीज को क्या करना होगा, हमें ऑथेंटिकेशन देना होगा, यानी उसको प्राधिकरण एक तरह से ऑथेंटिकेशन की, हाँ ये डिवाइस किसी पर्टिकुलर पर्सन के ही यूज़ के लिए, किसी निश्चित कार्य के लिए बनी गई है, तो वो हमें हर एक एंटिटी को देना होगा कि किसका कौन सा वर्क है। बिफोर दे कैन ज्वाइन द नेटवर्क यूजिंग अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड X.509 सर्टिफिकेट साइंड बाय अ ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी, यानी आपकी कोई भी डिवाइस है अगर वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है ना, तो उसमें कहाँ कुछ ऐसे आपकी टेक्निक होनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्रिप्टोग्राफी से संबंधित हो या फिर कोई X.509 सर्टिफिकेट ही क्यों नहीं हो, जो कि किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी के द्वारा क्या किया होता है, साइन किया होता है। तो इन जो ये आपको मेथड दिख रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी और ये जो साइन आपके सर्टिफिकेट है, अगर आप इनके यूज़ के थ्रू आपके IoT डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है, तो आपका डेटा क्या होता है, थर्ड पर्सन के थ्रू एक्सेस करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यानी हमें हर एक हमारी एंटिटीज के लिए ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर क्रिप्टोग्राफी की, पब्लिक की, उनका यूज़ के थ्रू हमें नेटवर्क से कनेक्टिविटी वाली हमारी डिवाइसेस डिज़ाइन करनी चाहिए। सेकेंड आता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी DTLS फॉर द सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी यानी डेटा को की गोपनीयता, इस तरह से कह सकते हैं, यानी छुपा रहा है आपका डेटा को, सर्वर पे है, इंटरनेट पर है, नेटवर्क पर है, तो वहाँ पर से किसी को मिले नहीं, तो हमें ऐसी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए जिनसे हमारा डेटा गुप्त रहे, किसी को दिखाई ना दे। तो उसके लिए हमें जैसे कि प्रोटोकॉल्स हो गए, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटीज़ के प्रोटोकॉल्स हो गए, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटीज़ हो गए, इन स्टैंडर्ड्स एंड इनक्रिप्शन मैथड, और इन्हीं तरह की इनक्रिप्शन मेथड का भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ में लेना चाहिए प्रोग्राम या एल्गोरिदम। नेटवर्क पर जुड़ने से पहले हमारे डेटा इस तरह से इनक्रिप्ट हो जाए या फिर उसमें इस तरह से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाए ताकि कोई भी थर्ड पर्सन हमारे डेटा तक पहुँच ना बना सके। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी बेहद ज़रूरी है हमारे IoT की डिवाइसेज में। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी डिवाइसेज को सिक्योर कर सकते हैं अगर हम TLS या DTLS प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा डेटा इंटीग्रिटी इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ वेरीफाइंग द डेटा बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक हैशेस लाइक सिक्योर हैश एल्गोरिदम। देखिए, एक हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिक्योर हैश एल्गोरिदम, हो सकता है ये आपके लिए न्यू है टॉपिक, बट अभी हम इस चैप्टर में केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। ये टॉपिक्स हमारे 4 चैप्टर में आ सकते हैं और हम उसमें कवर कर लेंगे। हमें इन हैश सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स और ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको आगे मिलेंगे, बट उनके बारे में अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या तो सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स क्या है, ऐसी एल्गोरिदम्स है जिनके थ्रू क्या किया जाता है, हमारी क्रिप्टोग्राफिक मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि डेटा किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू रीड ना किया जा सके, ठीक है। और आपका जो डेटा होता है पूरा मैकेनिज्म बेस्ड होता है, अगर आपका डेटा पूरा मैकेनिज्म बेस्ड होगा तो उससे क्या होगा, बेसिक मैकेनिज्म से क्या होगा, आपकी डेटा के ऊपर एक जो इंटीग्रिटी होती है वो लोगों की बनती है। यानी आपको जब पता चलता है कि आपने किसी ऐसे मेथड का यूज़ करा है जिससे आपकी डेटा सिक्योर है प्रॉपर, इसका पता चलता है, तो उस डेटा पर क्या बनती है, लोगों की इंटीग्रिटी भी बनती है, यानी उस पर लोगों का विश्वास भी बनता है। वो जो आपका डेटा होता है वो अपनी सत्यता को क्या करवाता है, प्रकट करवाता है, ठीक है। तो यानी क्रिप्टोग्राफी हैशेस सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स का भी हमें हमारी डिवाइसेस के लिए यूज़ में लेना चाहिए ताकि थर्ड पर्सन हमारा डेटा देख नहीं सके। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। फोर्थ आता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि आप जानते हैं ये भी क्या कर रहा है, किसी सर्टिफिकेट को एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवा रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसी न किसी ऑथेंटिक पर्सन के थ्रू क्या किया गया, वेरीफाई किया गया। डिजिटल सिग्नल्स गिव अ रिसिपिएंट अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट द मैसेज और फाइल वॉज क्रिएटेड बाय अ नोन सेंडर। यानी जो भी मैसेज या फाइल है वो किसी नोन सेंडर के थ्रू क्या की गई है, सेंड की गई है। और उस अगर किसी नोन सेंडर्स के अगर डिजिटल सिग्नल्स आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स या डिवाइस या इन पर कनेक्टेड होते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों का विश्वास उस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी ऑथेंटिक पर्सन के थ्रू क्या किया गया है, मार्केट में लॉन्च किया गया और इनका यूज़ किया जा सकता है।
रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल दी सर्विसेज ऑफर्ड बाय दी एप्लीकेशंस। यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमारा एक मेथड ही है, एक तरीके से जो क्या कर रहा है, हमारी सभी जो भी सर्विसेज हैं उनके यूजेस के लिए, उन्हें ऑफर करने के लिए पर्सन्स को एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी एक मेथड है पूरा, इसको भी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक तरह से क्या करवा रहा है, जो भी डिवाइसेस हैं उनको सर्विसेज ऑफर करवा रहा है ताकि एक एप्लीकेशन प्रॉपर वे में रन हो सके। तो इसके भी एक पूरा मेथड है, पूरी प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। हाइटेंड सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू सिक्योर बूट मैकेनिज्म्स इन IoT डिवाइसेज। यानी हमारी जो भी IoT डिवाइसेज हैं उनको सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी बनाने के लिए हमें सिक्योर बूट मैकेनिज्म्स की हेल्प से क्या करना चाहिए, हाई क्वालिटी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। यानी हमारे जो भी बूट प्रोसेस, बूट मैकेनिज्म्स है डिवाइसेस की, उनमें भी हमें ऐसी एल्गोरिजम्स, ऐसे तरह से सेटिंग्स करनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी IoT डिवाइस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रहे ताकि थर्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। कंटिन्यू करते हैं। ऑल डेटा शुड बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल्स एंड क्रिटिकल डेटा लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ इनक्रिप्टेड मैनर इन द स्टोरेज सिस्टम। आपका जो भी डेटा है वो क्लासिफाई किया जाना चाहिए सिक्योरिटीज के लेवल्स के अकॉर्डिंग। यानी आपने देखा था प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी लेवल्स थे, तो जो डेटा सिक्योरिटी का आपको प्रोसेस करना चाहिए वो आपको सिक्योरिटीज के जो लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और जो भी आपका, जिसे कि आपका कहा जा रहा है ऑथेंटिकेशन, अब ऑथेंटिकेशन जब किसी चीज़ का किया जाता है तो एक पर्टिकुलर ये मान लीजिए ID दी जाती है और उसके लिए पासवर्ड दिया जाता है। अब जो ID और पासवर्ड दिया गया है वो किस मेथड के थ्रू होना चाहिए, इनक्रिप्टेड मेथड के थ्रू होना चाहिए। यानी वो सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए किस मेथड पे लिखा गया है ना। तो अगर इनक्रिप्टेड मेथड में स्टोर होगा तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्टेड मेथड यानी जैसे मान लीजिए आपका अगर ATM का पिन नंबर है, आपने जो भी सपोज 1234 एंटर करा, आपके ATM का ट्रांजेक्शन का ये पिन था, तो इनक्रिप्टेड मेथड क्या, मेथड क्या करेगा, इसे आगे जब सेंड करेगा तो इसमें क्या कर देगा, फॉर एग्जांपल जो भी सेटिंग एल्गोरिदम्स में हमने सेट करा कि +1 से इंक्रीज हो जाए, तो जब हमारा डेटा, ये जो हमारा पासवर्ड है ये इंटरनेट पे वर्क करेगा तो +1 से होके ये क्या होगा, वर्क करेगा। कैसे, 1 का 2 हो जाएगा, 2345 हमारा पासवर्ड बन जाएगा। और इंटरनेट पर कोई भी नहीं पता चेक कर पाएगा कि आखिर एल्गोरिदम्स क्या लिखी गई है, इंक्रिप्शन मेथड कौन सा किया गया है ना, तो पूरा चेंज कर दिया जाता है। तो जो भी हमारा डेटा होना चाहिए वो सिक्योरिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो इंक्रिप्शन मेथड के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ऑल सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर और डिवाइसेज शुड बी सिक्योरिटी हार्डन टू अवॉइड बैकडोर एंट्री अटैक्स। यानी जो भी हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैं हमारे फर्मवेयर के, उनको क्या करना चाहिए, जो भी बैकडोर्स हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन के लिए हाई सिक्योरिटी की वर्क करना चाहिए। यानी ऐसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि बैकडोर से भी कोई हमारे डिवाइस पर अटैक ना कर सके, यानी पता भी नहीं चलता और डिवाइस पर अटैक कर दिया जाता है। The entire centralized infrastructure should be protected against distributed denial of services DDoS attack. ठीक है, जैसा हमारा जो भी आप जानते हैं एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, कोई भी डिवाइसेस है उसका कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड है जहाँ पे पूरा वर्क इस्टेब्लिश किया, वर्क किया जाता है। उस सेंट्रलाइज्ड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज जैसे हमलों से बचाया जाना चाहिए, उनसे क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। हमारा डेटा सेंट्रलाइज जो डेटा होता है जहाँ पे सभी का डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे हमें इन तरह के अटैक से हमारे डेटा को बचाने के लिए भी प्रोसेस करनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं हम। ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम शुड रिसीव द लेटेस्ट सिक्योरिटी पेचेस अपडेट अगेंस्ट नो वल्नरेबिलिटीज।
यानी हमारे जो भी कंप्यूटर्स की जो भी पैचेस हैं उनको, जो भी आपको पता चल रहा है किसी तरीके की कमियां हैं हमारे डिवाइसेस में, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेटेस्ट जो सिक्योरिटीज की अपडेट्स हैं उनको करना चाहिए। यानी जो भी डिवाइसेस हैं, आपको पता चला कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के लिए डिवाइसेस अपडेट है, तो आपको उन अपडेट्स का यूज़ अपनी डिवाइसेस के लिए भी करना चाहिए ताकि कई तरीके के अटैक से आपकी डिवाइस को बचाया जा सके। एडवांस सिक्योरिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स। कुछ हमारी यहाँ पे आपको दिख रही है एडवांस्ड, यानी कुछ और भी हमें सुरक्षा सिक्योरिटीज हमारे डिवाइसेस के लिए, क्रिटिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए करनी चाहिए, जिससे जिनमें कि हमारे क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोसेस करवानी चाहिए, ऐसी एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना चाहिए जो कि क्या करें, हमें हमारे डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इसी के साथ साथ इंक्लूडिंग एंटी APT एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेट सिस्टम्स या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम्स, नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस टूल्स, एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम, डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम्स एटसेट्रा। यानी ये कई तरीके के आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, कह सकते हैं हम अटैक्स दिख रहे हैं, तो इन सबसे भी हमें हमारी डिवाइस को बचाना चाहिए। और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम हमारी डिवाइसेस को बचा सकते हैं, जैसे कि ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम्स का हमें यूज़ करना चाहिए, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट पर भी हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारी डिवाइसेस पर किसी तरह का अटैक ना हो, और जहाँ अगर अटैक होता भी है तो हमें उसका सही समय पे पता चल जाए। एंटी मेलवेयर सिस्टम्स को भी हमें रन करना चाहिए, जिन्हें कि हम एंटीवायरस भी कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे डिवाइसेस को अटैक कर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमें एडवांस सिक्योरिटी के ऑप्शंस का भी हमारे IoT डिवाइस के लिए सिलेक्शन करना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। एग्जाम्पल्स फॉर न्यू ट्रेंड्स AI ML पेनिट्रेशन ऑफ IoT। यानी हमारे जो न्यू ट्रेंड्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा AI हो गया, ML हो गया IoT में, हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML यानी मशीन लर्निंग। द टर्म AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML मशीन लर्निंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट पजेसेस इंटेलिजेंस। हमारी जो AI है और हमारा जो ML है, मशीन लर्निंग है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप करने के जो कहते हैं हम प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, जो कि जिसमें कि क्या होती है, एक तरह से इंटेलिजेंसी होती है, यानी बुद्धि होती है। यह जो उनकी इंटेलिजेंसी होती है वही क्या करवाती है, उनके थ्रू डेटा को एनालिसिस करवाना। द इंटेलिजेंस अलाउज देम टू एनालाइज डेटा एंड मेक डिसीजन सिमिलर टू हाउ अ ह्यूमन ब्रेन डज दी सेम। यानी ये जो उनकी इंटेलिजेंस होती है वो ही क्या करवाती है, डेटा पर एनालिसिस करवाना और डिसीजन मेकिंग का वर्क कंप्लीट करवाती है, जैसे एक ह्यूमन कर सकता है। यानी हमारी जो AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और मशीन लर्निंग के थ्रू ऐसी डिवाइसेस बनी गई हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बने गए हैं, जिनमें कि क्या है, इतनी सारी बुद्धि होती है ह्यूमंस की तरह। जिस तरह ह्यूमंस एक्शन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, उसी तरह हमारे AI बेस्ड मॉडल्स भी क्या करते हैं, अपने एक्शंस ले सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, एक ह्यूमन के माइंड जैसे ही ये क्या करते हैं, प्रॉपर वे में वर्क करते हैं। The Internet of Intelligent Things IoT uses AI to bring more value to the IoT domain by better interpreting data obtained from connected devices। जो हमारा Internet of Intelligent Things है, यानी क्या है ये, एक तरीके से एक डिवाइस है, एक इंटरनेट है पूरा, जो कि किस पर वर्क कर रहा है, हमारे इंटेलिजेंट थिंग्स पर वर्क कर रहा है। अब हमारे इंटेलिजेंट थिंग्स कौन से होते हैं, जिनमें कि हमारे AI और ML का कंबाइंड कलेक्शन होता है और उनके थ्रू ही डिवाइस बनी हुई होती है। तो ये बता रहा है कि इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंट थिंग्स IoT यूजेस AI, ये किसका यूज़ कर रहा है, AI का कर रहा है, किस लिए, कि हमें मोर वैल्यू टू द IoT डोमेन बाय बेटर इंटरप्रेटिंग डेटा। हमें क्या मिले, बहुत ज़्यादा अमाउंट पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से डेटा रिसीव कर सके और उन पर उनके अकॉर्डिंग क्या करें, IoT डोमेन में वैल्यूज़ को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, किसके थ्रू, आइए
एआई के यूजेस के थ्रू, यानी एआई का यूजेस इस तरह से किया जाए कि हमारे जो इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंट थिंग्स है उनके हर एक इन्वायरमेंट में, हर एक फील्ड में क्या किया जाए, बेटर रिस्पॉन्स डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड करवाया जाए। कंटिन्यू करते हैं हम इसे ही, द फाउंडेशन ऑफ आईओटी इज एमएल एंड एआई बिकॉज इट अलाउज डिवाइसेस टू मेक सेंस ऑफ द डेटा कलेक्टेड थ्रू देम। यानी हमारे जो आईओटी की कह सकते हैं फाउंडेशन है, यानी नींव है, वो क्या है हमारी एमएल और एआई है, क्योंकि ये क्या कर रहा है डिवाइसेस को उनके एक तरह से कनेक्ट करने की, उन्हें एक दूसरे से समझ पैदा करने की, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की और उनसे डेटा एकत्र करने के लिए क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। क्योंकि हमारा जो आईओआईटी है उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं हम, एमएल एंड एआई का यूज़ कर रहे हैं। यानी हमारे आईओटी में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हमारे मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस के थ्रू क्या हो रहा है, किसी भी डिवाइसेस को से के थ्रू डेटा कलेक्ट करने और उस पर वर्क करने के लिए एक प्रॉपर मेथड हमें वहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि डिवाइसेस आपस में क्या कर रही है, आपस में कम्युनिकेट कर रही है, ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो रहा है और डिवाइसेस का कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है जैसे कि किसी ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा एआई का और एमएल का यूज़ किया जाता है। वेन अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कलेक्ट रॉ डेटा एंड कंबाइन इट, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इनेबल्ड विद मशीन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज टेक दिस डेटा एंड एनालाइज देम। जब हमारा जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और रॉ डेटा को कलेक्ट कर रही है और कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, जो भी हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और रॉ डेटा और को कलेक्ट कर रही हैं, उन पर कंबाइन कर रही है, और ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बन रहे हैं जो कि हमारी मशीन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, जिनसे कि क्या हो रहा है, हमारे डेटा को लिया जा रहा है और साथ ही उन पर एनालाइज का वर्क किया जा रहा है। यानी बहुत सी डिवाइसेस क्या हो रही है, आपस में कनेक्ट हो रही है, रो डेटा एक्सचेंज करती हैं, उनको कंबाइन करती है और उन्हें एक एनालिसिस के लिए पूरी प्रोसेस भी कंप्लीट करवाई जा रही है। किसके थ्रू, केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू, जो हमारे किस पर, जिनसे हमारे एआई और एमएल बेस्ड होते हैं। आफ्टर थ्रू एनालिसिस द आउटपुट ऑब्टेन कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जब हमारी डिवाइसेस कुछ डेटा को कैप्चर करती हैं, उन पर प्रोसेस करती हैं और उन पर एनालाइज करती हैं, तो उसके थ्रू जो एनालाइज किया जाता है उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हमारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के रूप में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। द आईओआईटी मेक्स आईओटी एप्लीकेशन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। जो हमारा आईओआईटी है आईओटी डिवाइसेस के लिए, आईओटी एप्लीकेशंस को उनकी क्या करवाता है, पूर्ण क्षमता का एहसास करवाता है। यानी जो भी आप ये मान लीजिए आईओआईटी ही क्या करवा रहा है, हमारे जो आईओटी एप्लीकेशंस है उनको ये रियलाइज करा रहा है कि आपको पर्टिकुलर वर्क क्या है, आपको एक एनवायरनमेंट में किस तरह से वर्क करना है, क्या आपके एक्शंस हैं, क्या आपकी प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्क है। यानी आईओआईटी पर ही के थ्रू हमारी क्या करती है, आईओटी डिवाइसेस वर्क करती है, हमारे एमएल हो गया या एआई हो गया, इनको प्रॉपर वे, उनकी प्रॉपर जो वर्किंग का एरिया है वो डिस्क्राइब कौन करवाता है, हमारा आईओआईटी। क्योंकि इसके थ्रू इंटरनेट में क्या होता है, जो भी थिंग्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो रही है, तो पता चलता है कि कौन सी डिवाइस का कौन सा पर्टिकुलर वर्क उन्हें असाइन किया गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे, एंटरप्राइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग यूज ऑफ आईओआईटी टू रीप द फॉलोइंग बेनिफिट्स। यानी हमारे जो कई एंटरप्राइजेस हैं वो आईओआईटी का लाभ लेने के लिए, उसका प्रॉफिट लेने के लिए ऐसे रेडी रहते हैं और वो इन कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करना है चाहते हैं जिनसे कि क्या हो, उनके जो भी फील्ड है उसमें क्या हो, डे बाय डे क्या करें, वृद्धि हर चीज में, हर फील्ड में उनके क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन होते रहे। तो वो किस कारण के क्या होता है, क्यों लिया जाता है, क्या उनका मेन रीजन रहता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग एक्यूरेसी रेट। एक्यूरेसी रेट में सुधार करने के लिए भी क्या हो रहा है, एंटरप्राइजेज में भी आईओआईटी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसका फ़ायदा किसको मिलता है, हमारे एंटरप्राइजर्स को ही मिल रहा है। यानी उनको आईओआईटी डिवाइसेस का यूज़ करने से क्या फ़ायदा मिला वो हम देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग एक्यूरेसी रेट। देखिए, एक ह्यूमन वर्क करता है और एक डिवाइस वर्क करती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ह्यूमन थक जाता है, हो सकता है उसकी किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, बट हमारी जो आईओटी की डिवाइसेस होती हैं उनमें ऐसी कोई थकावट नहीं होती है और वो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हमारा रिजल्ट का क्या करती है, आउटपुट
देती है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर आप हम एटीएम में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई ह्यूमन तो होता नहीं है, डिवाइसेज ही क्या करती है पूरा कैलकुलेशन करती है, आप जो जो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं वैसे वैसे वो वर्क करती है और जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होता है उसके लिए भी आपको डिटेल शेयर करवा देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें हमारी डिवाइसेस के लिए से मिल रहा है। जैसा कि हम देखें अगर यही काम जो एटीएम का मैंने अभी आपको मशीन का बताया अगर वो किसी ह्यूमन के थ्रू करा जाए तो हो सकता है उसमें फिर भी मिस्टेक्स हो, बट मशीन्स के थ्रू किए जाने वाले काम में किसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, मिस्टेक्स कम रहती है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड मेंटेनेंस यानी भविष्य के बारे में बताना और विश्लेषण करना, ये भी क्या रहता है हमारे आईओटी का, आईओटी की डिवाइसेस का यूज़ करने से हमें बेनिफिट मिलता है, एक एंटरप्राइज को बेनिफिट मिलता है क्योंकि आईओटी डिवाइसेस अनुमान लगा लेती हैं जो भी आगे आने वाली किसी भी घटना है या किसी भी फंक्शन है जो भी आगे जो भी स्टेप्स किए जाना है उनके बारे में पहले ही क्या लगा लेती हैं, आइडिया लगा लेती हैं, जिससे क्या हो जाता है उसको पूरा मेंटेन किया जा सकता है वर्क को, ताकि आगे आने वाली घटनाओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये भी किसके थ्रू ही पॉसिबल है, हमारा आईओटी डिवाइसेस के यूज़ के थ्रू पॉसिबल है। जब ऐसी डिवाइसेस मार्केट में आ रही है जो कि हमें पहले ही संभावित घटनाओं के बारे में इन्फॉर्म कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो भी एंटरप्राइज है हमारा जो भी बिजनेस है उसके में हमें क्या मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है क्योंकि हम उन आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से क्या है अवेयर है, तो उनके लिए हम स्टेप्स उठा सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम, थर्ड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी हमारी आईओटी डिवाइसेस काफ़ी वर्क कर रही है। जैसे कि अगर हम अमेजन की बात कर लें या ऐसी किसी शॉपिंग साइट्स की बात कर ले तो वो क्या है, बेस्ड है आईओटी बेस्ड है, जहाँ ह्यूमन अगर किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी डिटेल्स बताते वहाँ पे अब क्या बता रही है, एक एप्लीकेशन ही प्रोडक्ट्स की डिटेल बता रही है। वहाँ पे भी कई आपके सर्च असिस्टेंट्स होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी किस पे बेस्ड है, हमारे आईओटी पे बेस्ड है। यानी कस्टमर्स का क्या हो रहा है सेटिस्फैक्शन एक पर्टिकुलर आईओटी बेस्ड डिवाइस के कारण क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में भी हमारे आईओटी का काफ़ी बेहद रोल रहता है और वो उसका लाभ हमें हमारे इंटरप्राइजेस के लिए आगे मिलता जा रहा है। हम देख रहे हैं अमेजन ही कंपनी है, आज अमेजन का कोई भी पर्सन हमें नहीं दिखता, हमें केवल एक एप्लीकेशन दिखती है, वेबसाइट दिखती है, हम उसके थ्रू क्या करते हैं प्रोडक्ट हमारा खरीदते हैं। तो ये सब किस पे बेस्ड है, हमारे आईओटी पे बेस्ड है और इसी से हमारे देखिए अमेजन का काफ़ी एक आईओटी डिवाइस बेस्ड होने के चक्कर में ये क्या हो रही है, काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है। फोर्थ हमारा आता है इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो भी कोई वर्क किया जा रहा है तो उसकी उसको कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हमारा आईओटी काफ़ी वर्क कर रहा है। जैसे एक ह्यूमन अगर काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा समय लेके किसी काम को कंप्लीट करता है, जबकि एआई बेस्ड जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो प्रिडिक्शंस लगाती हैं और साथ ही साथ हमें बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ हमारा वर्क कंप्लीट करके हमारे बिजनेस के लिए हमें दे देती है। यानी डिवाइसेस ह्यूमंस की तुलना में क्या कर रही है, बहुत जल्दी हमें वर्क और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वर्क करके हमें ये देख लीजिए हमें उसका रिस्पॉन्स दे देती है, यानी कितने समय पर कौन सा वर्क कैसे कंप्लीट किया जाना है, कितने प्रोडक्ट्स बनने होते हैं, ये सब हमारा किस पर बेस्ड हो गया, आईटी पे बेस्ड हो गया है। और ये सब हमारे ह्यूमंस के वर्क को तो कम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी हमें इनके थ्रू पॉसिबल हो पाती है, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हमें आईओटी डिवाइसेस के थ्रू ही मिल रही है। तो ये थी आज के हमारे चैप्टर नंबर 5 की कुछ और डिटेल्स जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।